बंजारों का बंजारापन कम कैसे हो अगर रास्ते इतने हसीन हो। जिंदगी में एक बार लद्दाख की सैर हो ऐसा हर कोई खुश नसीब हो। पहाड़ों में ऐसे मक्खन जैसे रास्ते और इतने सुंदर नज़ारे हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए। इसी खुशहाल जिंदगी के साथ हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं लेह श्रीनगर सीरीज का ये ट्रिप का तीसरे दिन का वीडियो। इससे पहले की वीडियो अगर आपने अब तक ना देखे हो तो जरूर देखें, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जो चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखा रहे वो कंजूसी छोड़ दे, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बदले में आपको मिलेगा देश के हर कोने का ट्रैवल वीडियो। तो तीसरे दिन हम लेह से नुब्रा वैली की तरफ बढ़े। रास्ता अति ऊंचाई से गुजरने वाला था, यानी कि हम वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला से पास होने वाले थे। इस पास की ऊंचाई 5359 मीटर है और यहाँ आने से पहले आपका एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है और यही कारण था हम यहाँ से तीसरे दिन गुजरते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत ना करें वरना आप माउंटेन सिकनेस के चपेट में आ सकते हो। In Khardungla, this is the highest motorable road in the world. Actually, this is the top point where we are now, and you can see the snow. This is not actually the snow. This is what we call this? Glacier. Glacier. Basically, this is a river which was filled with the snow, and when it is sunny, it comes down like a water drops, and again when snow falls on it, it become like a like this. This is a sloping point. See, you can see there. So it's freezing cold here, but very very beautiful place to visit. Must try. लेह से खारदुंगला तक की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसमें तीखे घाट की चढ़ाई है। खारदुंगला के बाद हम नीचे उतरने लगते हैं। शोक नदी के दर्रे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको खलसर में कुछ रेस्टोरेंट मिलते हैं जहां आप पोट पूजा कर आगे बढ़ सकते हो। खारदुंगला से खलसर तक की दूरी 50 किलोमीटर है और यही खलसर से ही थोड़ा आगे आप एटीवी राइड का लुप्त भी उठा सकते हो। अगर कोई पूछता है कि भारत में रेगिस्तान कहाँ है तो हम जवाब देते हैं राजस्थान में, पर लद्दाख भी एक कोल्ड डेजर्ट है दोस्तों। और तो और यहाँ सैंडल्स भी है। हाय, नाउ वी आर एट नुब्रा वैली। वी आर हियर टू डू द एटीवी बाइक राइडिंग। ओके, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एवरीवन शुड ट्राई इट। ओके, एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू स्टार्ट द एटीवी राइड। ओके, इट चार्ज अराउंड 1200 bucks per one ride, 4 kilometers. But then it was a very slopey path and a straight path too. You will enjoy a lot, and it gives an awesome experience to you people. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दिस्कित मॉनेस्ट्री की तरफ, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। ये नुब्रा वैली में सबसे बड़ी और पुरानी मॉनेस्ट्री है। यहाँ मैत्रेय बुद्धा की 106 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है। रेगिस्तान है तो ऊंट भी होने चाहिए, तो वो यहाँ है। हाँ, आश्चर्य की बात है पर हिमालय के इस घाटी में ऊंट मौजूद है, वो भी डबल हम, जो दुनिया में और कहीं नहीं। Hi, we are doing double hump camel riding in Nubra Valley. This is the world's best camel ride, the hours. Here is the place where we get double hump camel, and my camel name is Changam Chavara. It's a female camel. If you have to must try this
subscribe when you are visiting Nubra Valley. Bye bye. Thank you. शानदार दिन के बाद सूरज ढल जाता है होने वाली अगली सुबह और पूरा दिन हम आपके लिए हमारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।